जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं क्या बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे पापा तुम्हें हम सबको छोड़कर क्यों चले गए हैं। नहीं बता सकती हूँ किसी को, लेकिन लेकिन तुम दोनों को भी ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती मैं। इसलिए मैं कहीं से भी ढूंढूं, लेकिन ढूंढ कर जरूर लाऊंगी अशोक जी को। सर जी, मैंने तो आपसे वादा किया था ना, पीछे मैडम जी, छोटी बेबी, बड़ी बेबी, सबका ख्याल रखूंगा। मगर सॉरी, मैं सबका ख्याल तो रख सकता हूँ, मगर आंसू थोड़ी ना रोक सकता हूँ। आंसू तो जरूर जरूर आप पे रोक सकते हैं ना सर जी, आप ही रोक सकते हैं सर, और सर आप ही। कृष्णा, आराम से कृष्णा, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? वो मैं सर जी से किया हुआ प्रॉमिस निभा रहा था। प्रॉमिस? क्या बात है कृष्णा, तुम भी प्रॉमिस निभाने पे यकीन करते हो? हाँ अंकल जी, मेरी लाइफ भी तो एक प्रॉमिस की वजह से ही बदल गई। अगर मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस निभाया होता तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती। और अशोक जी, अगर आप इतने दिनों से हम सबसे झूठ ना बोल रहे होते, सबको सच बता देते, तो आज ये सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन मुझे मेरे पाप की तरह नहीं बनना है, जिससे जो भी प्रॉमिस करूंगा वो निभाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। भैया सुनिए ना, कल नूपुर और आस्था ने उनके पापा के नाम लेटर्स लिखे हैं कि वो घर लौट कर आ जाए। तो भैया, मैं ये सोच रही थी कि क्या हम वो लेटर न्यूज़पेपर में छपवा दें, मतलब न्यूज़पेपर आसपास के शहर में भी जाता है ना, क्या पता अशोक जी पढ़ ले और बच्चियों का हाल देखकर वापस घर आ जाए। जी भाभी, ठीक है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।